मैं अनुप्रिया पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली। शपथ लेता हूँ। पीएम मोदी के साथ बीजेपी और सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मोदी मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा मंत्री यूपी से बनाए गए हैं। बावजूद इसके यूपी की हिस्सेदारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले से घटी है। मोदी सरकार 2.0 में उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा लोकसभा चुनाव जीतकर मंत्री बनने वालों की संख्या 12 थी। इस बार पीएम के अलावा कुल 9 मंत्री मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। हरदीप पुरी को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 10 तक चला जाता है। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, एसपी सिंह बघेल, बीएल वर्मा, कीर्तिवर्धन सिंह और कमलेश पासवान को शामिल किया गया है। पिछली बार मोदी सरकार में यूपी से 12 मंत्री बनाए गए थे, इसमें से 7 मंत्री इस बार चुनाव हारे हैं। यूपी से राज्यसभा के सदस्य हरदीप पुरी को भी केंद्र में मंत्री बनाया गया है। ऐसे में अगर हरदीप पुरी को जोड़े तो इस बार यूपी से मंत्री बनने वालों की संख्या 10 हो जाती है। हालांकि राज्यसभा के सदस्यों को जोड़ा जाए तो मोदी के दूसरे कार्यकाल में पीएम के अलावा कुल 14 मंत्री शामिल थे। वहीं इस बार यानी तीसरे कार्यकाल में पीएम के अलावा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को जोड़कर कुल 10 मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। चुनाव हारने वाले मंत्रियों में स्मृति ईरानी, महेंद्र पांडे, अजय मिश्रा टेनी, निरंजन ज्योति, भानु प्रताप सिंह, संजीव बालियान। केंद्र में मंत्री बनाए गए सदस्यों की जातियों पर नजर डालें तो इस बार 4 ओबीसी, 3 सवर्ण, 2 दलित और 1 ब्राह्मण को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इसमें से 2 कुर्मी, 1 जाट और 1 लोधी ओबीसी समाज से आते हैं। 2 दलित में 1 पासी और 1 गडेरिया समाज के मंत्री बने हैं। सवर्ण में 2 राजपूत और 1 ब्राह्मण को मंत्री बनाया गया है। ओबीसी से जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी और बीएल वर्मा मंत्री बने हैं। दलित समाज से कमलेश पासवान, एसपी सिंह बघेल, राजपूत वर्ग से राजनाथ सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह और ब्राह्मण वर्ग से जितिन प्रसाद शामिल हैं। बात राजनाथ सिंह की करें तो राजनाथ सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। वो पिछली कैबिनेट में रक्षा मंत्री थे, मोदी की पहली सरकार में गृह मंत्री बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके राजनाथ 2005 से लेकर 2009 और 2013 से 2014 तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं राजनाथ सिंह के एनडीए में शामिल सभी नेताओं से अच्छे संबंध हैं, वो राजपूत जाति से आते हैं। वहीं हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो 1974 बैच के IFS अधिकारी रहे हैं, साथ ही विदेश मंत्रालय और कई देशों में राजदूत रहे हैं। उन्हें पिछली बार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। हरदीप पुरी सिख समुदाय से आते हैं। एसपी सिंह बघेल की बात करें तो वो आगरा सीट से जीतकर सांसद पहुंचे हैं। उन्होंने एसपी प्रत्याशी सूरज चंद कर्दम को 2.71 लाख वोटों से हराया। वो मोदी सरकार में कानून और स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे हैं। एसपी सिंह बघेल दलित समुदाय से आते हैं। वहीं कमलेश पासवान की बात करें तो कमलेश पासवान गोरखपुर जिले की बांसगांव लोकसभा सीट से चौथी बार सांसद चुने गए। पासी जाति के पासवान दलित समुदाय से हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने पासी समुदाय को 6 टिकट दिए थे। पिछली सरकार में पासी जाति के ही कौशल किशोर को मंत्री बनाया गया था, वो इस बार चुनाव हार गए हैं। ऐसे में कमलेश पासवान को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। बीएल वर्मा मोदी की पिछली सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। उन्हें अमित शाह का करीबी माना जाता है, वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। इस बार बदायूं सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, इसके बाद भी ओबीसी समुदाय को साथ बनाए रखने के लिए वर्मा को मंत्री बनाया गया है। जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सपा से नाता तोड़कर भाजपा से हाथ मिला लिया था। जयंत चौधरी को एसपी की मदद से राज्यसभा की सदस्यता मिली थी, लेकिन चुनाव में बीजेपी ने आरएलडी को 2 सीटें बागपत और बिजनौर दी थी। दोनों सीटों पर रालोद की जीत मिली। इस बार बीजेपी के जाट चेहरा संजीव बालियान चुनाव हार गए हैं। जयंत भी जाट हैं, अब जयंत मोदी सरकार में जाट चेहरा होंगे। गोंडा से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह 6वीं बार गोंडा से सांसद चुने गए। उत्तर प्रदेश में कई जगह राजपूतों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। राजपूतों की नाराजगी दूर करने के लिए कीर्तिवर्धन सिंह को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। जितिन प्रसाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। जितिन को उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा माना जाता है।
जितिन प्रसाद 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्हें योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें फिर मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अभी तक वह लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल की अध्यक्ष है। उनकी पार्टी 2014 से बीजेपी के साथ है। उन्होंने मिर्जापुर से जीत की हैट्रिक लगाई है। वो मोदी की दोनों सरकारों में मंत्री रह चुकी हैं। इस बार उनकी पार्टी एक ही सीट जीत सकी। पंकज चौधरी बीजेपी के वरिष्ठ सांसदों में से एक हैं। वो महाराजगंज सीट से 7 बार सांसद चुने गए हैं। अब तक केवल एक बार 2009 में ही चौधरी हारे थे। वो मोदी की पिछली सरकार में वित्त राज्य मंत्री के पद पर थे। पंकज की कुर्मी जात पर मजबूत पकड़ है, इसी के चलते उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया है। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यूपी से आते हैं। वो तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर यूपी का दबदबा पीएम की वजह से सबसे ज्यादा भारी रहा है। 2014 और 2019 की तुलना में इस बार बीजेपी को यूपी में बड़ा नुकसान हुआ है। 2014 में अकेले बीजेपी को 80 में से 71 सीटें मिली थीं, वहीं एनडीए का आंकड़ा 73 तक चला गया था। वहीं 2019 में अकेले बीजेपी को 62 और एनडीए को 64 सीटें मिली थीं। इस बार यानी 2024 में बीजेपी को सिर्फ 33 और एनडीए मिलाकर 36 सीटें मिली हैं।